हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पीसीएस के सिलेबस की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पीसीएस के सिलेबस की। इस वीडियो में यूपी पीएससी पीसीएस के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपके 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा जो कि प्रीलिम्स का होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा, और मेंस के बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट या फिर वाइवा बोलते हैं। प्रीलिम्स जो आपका है, 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 और एक पेपर 2 होगा। पेपर 2 आपका जो है क्वालिफाइंग होगा, उसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 33% नंबर आपको लाने हैं। और फर्स्ट पेपर जो है, उसके आधार पर आपकी मेंस की मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब मेंस में कौन लोग एग्जाम दे पाएंगे। और प्रीलिम्स के किसी भी पेपर की फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। ये केवल प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर है, उसको मेंस में बैठने के लिए उसकी मेरिट बनेगी उसके आधार पर। प्रीलिम्स में जो आपका पेपर है, 2 पेपर है, जिसमें जो है 200-200 नंबर के दोनों पेपर होंगे। और पहले पेपर में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दूसरा पेपर जो होगा, जो क्वालिफाइंग है, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद आपका जो मेंस होगा, मेंस आपका जो है सारे कंपल्सरी पेपर हैं, और ये जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, कन्वेंशनल टाइप, मतलब रिटर्न एग्जाम, इसमें टोटल 8 पेपर हैं। पहला क्या है, जनरल हिंदी का है। सेकंड आपका एसे का है, जनरल हिंदी और एसे आपका 150-150 नंबर का है। बाकी सारे पेपर आपके 200 नंबर के होंगे, एक पेपर और जिसमें जो तीसरा पेपर आपका होगा, फर्स्ट पेपर जिसको बोल सकते हैं, जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर, और चौथा पेपर आपका जनरल स्टडीज़ सेकेंड होगा, पांचवा पेपर जनरल स्टडीज़ थर्ड पेपर, और छठा पेपर जनरल स्टडीज़ फोर्थ, सातवां जनरल स्टडीज़ फिफ्थ, और आठवां जो है जनरल स्टडीज़ सिक्स पेपर है। तो 6 पेपर आपके जो है जनरल स्टडीज़ के होंगे, और एक जनरल हिंदी का और एक एसे का होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके सिलेबस की। प्रीलिम्स में बात करते हैं आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो पेपर 1 आपका जो जनरल स्टडीज़ 1 का होगा, 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या पूछा जाएगा, करंट इवेंट ऑफ नेशनल तथा इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब करंट अफेयर आपसे जो है इंडिया का और वर्ल्ड का करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। हिस्ट्री पूछी जाएगी भारत की और भारत के राष्ट्रीय मूवमेंट। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी, ये पूरा यूपीएससी का सिलेबस से लग रहा। फिजिकल सोशल सेम यूपीएससी में भी है, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो है वर्ल्ड की जियोग्राफी, ये पूछी जाएगी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करें, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट इशू, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक तथा सोशल सेक्टर इनिशिएटिव के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा बेसिक साइंस पूछी जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसमें अगर सेकेंड पेपर की बात करें, जो जनरल स्टडी सेकेंड का है, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का, और इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग तथा एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, साथ ही जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक पूछी जाएगी, साथ ही जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पूछी जाएगी। जो आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, इसमें अर्थमेटिक्स में नंबर सिस्टम, जिसमें नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशियो एंड इंटीग्रल नंबर, रेशनल तथा इरेशनल नंबर, इसके अलावा रियल नंबर्स, डिविजर ऑफ इंटीजर, प्राइम इंटीजर्स, एलसीएम, एचसीएफ, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन होंगे। अलजेब्रा की बात करें तो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स, एलसीएम, एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स और उनके इंटर रिलेशनशिप, रिमाइंडर थ्योरम्स, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट थ्योरी, ज्योमेट्री में जो है कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरम्स रिगार्डिंग ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसके अलावा ट्रेपेजियम और सर्कल, इनके पेरीमीटर और एरिया के बारे में पूछा जाएगा। वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन और क्यूब से क्वेश्चन होंगे। स्टैटिस्टिक की बात करें तो कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन तथा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कर्व, इसके अलावा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिकल मीन और मीडियन तथा मोड से क्वेश्चन होंगे।
जनरल इंग्लिश में आपसे कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, वोकैब्स और इसके यूज, इडियम एंड फ्रेज तथा फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी में आपसे हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ, इसके अलावा शब्द रूप, संधि और समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, साथ ही पर्यायवाची शब्दों के बारे में पूछा जाएगा, मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाएंगे, तत्सम, देशज, विदेशी शब्द, इसके अलावा वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां तथा उत्तर प्रदेश की जो मुख्य बोलियां हैं, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। तो इसका सिलेबस था, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और आपके जो जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं, ये इंग्लिश और हिंदी तो आपका मेंस में भी आएगा, और जनरल स्टडीज़ के जो पेपर हैं आपके मेंस के, तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।